व्यवस्था विवरण अध्याय 14। व्यवस्था विवरण अध्याय 14। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भवों के बाल मुंडना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, यखमूर, बनेली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे व फटे खुरवाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले व चीरे खुरने वालों में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते हैं, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर सुअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और न इसकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जिन्हों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हडफोर्ड, कुरर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुग्गू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, नवा और चमगीदड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, वे खाए न जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। और अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो, वह किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा वह बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल व भेड़ बकरी व दाख मधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों न हो जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। अपने फाटक के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश न होगा। तीन तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीर्वाद दे।